नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपनी चैनल फैंटेसी दुनिया में। दोस्तों, वीडियो में हम लोग इन डेप्थ में एनालिसिस करेंगे CWA वर्सेस SRO के बीच जो होगा फैन को जमैका T10 का। दोस्तों, आज का दिन का ना पहला मैच इन डेप्थ आपको मिलेगा, दोनों ही टीम के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। गाइस, आप अगर वीडियो अच्छे से देखोगे ना, बहुत इजीली ग्रैंड लीग प्लस स्मॉल लीग के टीम्स खुद आप क्रिएट कर पाओगे। और इसके बाद हम लोग क्या मैचेस कवर करेंगे, इसके बाद सेकेंड जमैका T20 कवर करने वाला हूँ मैं। आपको मिलेगा पंडिचेरी T20 जो होगा कल, उसके कवरेजेस, ठीक है, पंडिचेरी या फेयर जो भी है दोस्तों, पहला मैच वो मैं कवर करूँगा। साथ ही साथ ना हम लोग दोस्तों कवर करेंगे हंगरी T10 जो अपना पहला मैचेस खेलेंगे कल, वो सीरीज़ मैं कवर करूँगा। एंड उसी के साथ मैंने जैसे कि आपको बताया था एसोसिएट्स कंट्रीज़ के जो वुमेंस मैचेस होंगे या फिर मेंस मैचेस, अच्छा मैचेस, वो मैं कवर करूँगा। जैसे कि कल नीदरलैंड ओमेन एंड थाईलैंड ओमेन के बीच मैच होगा, वो भी मैं सीरीज़ कवर करूँगा। तो दोस्तों, इतने सारे मैचेस के एक्सक्लूसिव कवरेज, वीडियो और स्टैट्स आपको केवल और केवल इसी चैनल में मिलेंगे। तो दोस्तों, आप अगर चैनल में न्यू हो, फर्स्ट टाइम देख रहे हो वीडियो चैनल में, तो फटाफट से चैनल को कर दो सब्सक्राइब, एंड फॉर फ्यूचर अपडेट एंड फॉर फाइनल अपडेट्स आप ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम चैनल। दोस्तों, टेलीग्राम चैनल ज्वाइनिंग के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन एंड वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिंक ऑलरेडी एडेड है। लिंक में आपको प्रेस करना है और रिडायरेक्ट होना है गाइस टेलीग्राम चैनल। अभी आते हैं इस मैच के एनालिसिस में। काइंडली लाइक करके स्टार्ट रखना ताकि जो मोटिवेशन है वो बना रहे और मैं अच्छा से अच्छा आपको सर्विस प्रोवाइड कर पाऊँ। दोस्तों, पूरा जो टूर्नामेंट है ना, सबीना पर्क किंगस्टोन जमैका में होगा। यहाँ पे दोस्तों एवरेज को 90 से 100 रन के बीच है। अभी कुछ मैचेस से रन अच्छे बने हैं और विकेट थोड़े से ना पहले के मुकाबले कम गिर रहे हैं। 9:30 बजे मैच इंडियन टाइम स्टार्ट होने वाला है रात का। मैचेस 14 ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, 4 बार बैट फर्स्ट, 10 बार चेजिंग ने विन किया। ये ना बहुत ज़्यादा आपको वन साइडेड दिखेगा चेजिंग फेवर में। बहुत सारे ऐसे मैचेस थे जो वन साइडेड मैचेस था, उसमें दोस्तों चेजिंग जो स्ट्रांग टीम है ना उसने फर्स्ट इनिंग्स में बॉलिंग किया, ये भी रीज़न है। बट आप अगर मेरे से पूछोगे तो यहाँ पे एडवांटेज है चेजिंग में। क्यों एडवांटेज है ये समझ लो, जब मैचेस लो स्कोर के होते हैं ना उसमें चेजिंग ज़्यादा बेटर होता है। अगर आपको फर्स्ट बैटिंग करने को मिला तो दोस्तों आपको ना सेट करना पड़ेगा टारगेट, उसके हर बरी में ना आप दोस्तों क्या करोगे कि आप विकेट लॉस करोगे। बट अगर आप चेज कर रहे हो ना 60, 70 या 90, 100 के करीब, तो दोस्तों वो चेजेबल है। उसमें पावर प्ले में अच्छा स्ट्राइक निकाला और उसके बाद 8-9 करके ओवर रेट में निकाल लिया मैच। बट अगर देखोगे करेंटली टूर्नामेंट में क्या हो रहा है कि यहाँ पे चेजिंग इजी हो रहा है, इसका बड़ा रीज़न है कि रन भी तो कम बन रहे हैं ना। कौन CWA से अगर आप देखोगे तो यहाँ से ओपन करेगा डी इबांग्स। दोस्तों, ये टीम हर मैच हार रहा है। डी इबांग्स को क्या मैं कैप्टन बनाऊँ अपना टीम में? यस, बना सकते हो। अगर बॉलिंग फर्स्ट हुआ ये थोड़े से ज़्यादा बेटर हो जाते, क्योंकि उस कंडीशन में इनको 2 ओवर मोस्ट प्रोबेबली ये करेंगे। टीम का कैप्टेंसी करा रहा है, ये बहुत बड़ा रीज़न है। और ओपनिंग भी कर रहा है और ओपनिंग आते हुए 38-19-40 का अच्छा नॉक खेला, टीम में रखना है और कैप्टेंसी बना सकते हो। हॉलनेस कुछ अच्छा खेला नहीं है, डिवेरियो स्मिथ भी कुछ खास खेला नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन, जैसे कि कुछ ऐप्स होते हैं 3 बैटर्स लेना पड़ता है, उसमें डिवेरियो स्मिथ को ट्राई करो। कुछ ऐप्स होते हैं जहाँ पे 1 बैटर लेके भी चलता है, तो दोस्तों आप हॉलनेस अगर फील्डिंग फर्स्ट और ट्राई कर सकते हो। बट एक हाई पॉसिबिलिटीज है दोनों में से, दोनों का या फिर किसी एक का तो पोजीशन सेफ नहीं है। एक का तो पोजीशन नीचे आने वाला है, क्योंकि मुझे लगता है इस मैच में एंड्रयू मैकार्थी आपको ना वन डाउन बैटिंग करते हुए दिखेंगे। और इस मैच में अगर टीम ने बॉलिंग फर्स्ट ले लिया तो मेरा मानना है कि सेफेस्ट कैप्टन पिक में से एक रहेगा एंड्रयू मैकार्थी। देखो, डैनियल इबांग्स से क्वालिटी वाइज मैकार्थी बहुत बेटर है। हाँ, हो सकता है इस सीरीज़ में मैकार्थी ने बहुत ज़्यादा पॉइंट्स अब तक नहीं दे पाया, बट प्लेयर ज़्यादा सॉलिड है कंपेयर टू डी इबांग्स। तो अपने को ट्राई करना है किसके साथ दोस्तों, एंड्रयू मैकार्थी के साथ, ठीक है। लेनेक्स सिम्पसन मुझे बहुत डिसेंट ऑप्शन लग रहे हैं, बट ये क्या कर रहे हैं, 2 ओवर बैट बॉलिंग के साथ और बैटिंग से कुछ ना कुछ पॉइंट दे सकते हैं, 10-20 रन जो भी रन देगा तो सेफ प्लेयर है। बट एक पॉसिबिलिटीज यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा, इबांग्स अगर ओवर कंप्लीट करता है तो लिम्सन के ओवर्स कट हो सकते हैं। लास्ट 2 मैच में लिम्सन ने ओवर कंप्लीट किया और लास्ट 2 मैच में इबांग्स ने 1 से ज़्यादा ओवर नहीं डलवाया, ठीक है। यहाँ पे कुछ और प्लेयर मिलेगा जैसे कि नामभट्ट, दोस्तों इसने लास्ट मैच में 1 ओवर में 20 रन का ठुकाई खा के गया। एंड्रयू ब्लैक ने भी पिटाई खाया। अब यहाँ पे भी एक प्रोबेबिलिटीज है, अगर एंड्रयू ब्लैक ने अच्छा बॉल डाला, क्योंकि इन्होंने भी लास्ट 2 मैच में ओवर कंप्लीट नहीं किया ब्लैक ने, तो ब्लैक ने अच्छा बॉल डाला तो यहाँ पे भी प्रोबेबिलिटीज निकल के आता है कि डैनियल इबांग्स को दोस्तों नंबर ऑफ ओवर्स कट हो सकते हैं, या फिर मिले ही ना, या फिर दोस्तों सिम्पसन के ओवर कट हो जाएगा। ब्लैक अच्छा प्लेयर है बट पिटाई बहुत खा रहा है बस बंदा। बाकी इनमें से दोस्तों मिखेल सिल्वा ने इससे पहले 1 मैच में बॉलिंग नहीं किया था, बट जब लास्ट मैच में किया इसने 2-15 पे 1 विकेट। दोस्तों मिखेल सिल्वा का ना रिकॉर्ड अच्छा है, ट्राई कर सकते हो।
ओपनिंग बॉलर पल्मर, सिम्पसन और मिखेल सिल्वा, डेथ में एंड्रयू मैकार्थी, डी बंक्स और रोमैन। ये सीरीज से पहले के रिकॉर्ड्स है गाइस, आप चाहो तो इनके रिकॉर्ड्स रिव्यू कर सकते हो। न्यू कोई भी प्लेयर ऐड होता है ना, इनके रिकॉर्ड्स आप अकॉर्डिंग इनके रिकॉर्ड्स आप उनको ट्राई कर सकते हो। हम लोग दोस्तों एक्सिस 22 के पिक्स भी इसी वीडियो में प्रोवाइड करेंगे, तो काइंडली वीडियो आप अच्छे से देखो और समझो क्या पिक्स आपके लिए बेटर हो सकता है। सारे रॉयल्स अगर आप देखोगे ना, विन 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 लॉस विन, मतलब ये टीम तो स्ट्रांग बनाओ इनके ओपोनेंट से। इनके जो बैट्समैन है ना, लेरॉय लोग या फिर ओडियन स्मिथ, ये ना जो बहुत ज़्यादा अच्छे बैटर्स है, ये टीम मुझे ज़्यादा स्ट्रांग दिख रहा है। फाइनली ओडियन स्मिथ लास्ट मैच में आगे प्रोमोशन हुआ और 83 का नॉक खेला यार, क्या ही परफॉर्मेंस था ओडियन स्मिथ का। आप सबको पता है ये हो गया, द्रेरस हो गया, ये सब ना प्लेयर बनाई है T20 के लिए। अब ये T20 के लिए बना है तो T10 खेल रहा है, तो और भी इनके लिए सुइटेबल फॉर्मेट है, तो बढ़िया प्लेयर बनता है दोस्तों, जिनको आप कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हो बिंदास अपनी टीम में, ठीक है। और लास्ट मैच में सरे रॉयल से ना 137 बनाया था, और उसका रीज़न तो आपको समझ में आ रहा होगा ना कौन है। यस, 31 बॉल में 83 बनाया था ओडियन स्मिथ, 4 चौका और 9 छक्का था, ठीक है। 100 रन इनको बाउंड्री एंड 6 से मिला था, बट ये प्लेयर बहुत सॉलिड है। लेरॉय लुक ने हर मैच में, एक मैच में 8 छोड़ा, हर मैच में रन बनाया। होरो ने फाइनली लास्ट मैच में ओपन किया, कुछ नहीं किया। इनका जो ओपनिंग पोजीशन है ना, वो स्टिल दोस्तों वो ना लटक रहा है, बट एक पॉसिबिलिटीज है कि इस मैच में आपको ना ब्राउन एज ओपनर प्ले करते हुए दिखे, क्योंकि इसने खराब नहीं खेला, एटलीस्ट हरो से अच्छा खेल सकता है। जे ग्लेन भी ऊपर आ सकते हैं, जे ग्लेन अगर फील्डिंग फर्स्ट हुआ तो ज़्यादा बेटर ऑप्शन होगा, बॉलिंग फर्स्ट में ड्रॉप रोटेट करके एक्स्ट्रा बॉलर ट्राई करना, क्योंकि मुझे ये टीम ज़्यादा स्ट्रांग दिख रहा है। पिथ सेलमन है हमारे पास, खड़ी कैम्बेल है हमारे पास, दोनों को रखना है, दोनों ने अच्छा बॉलिंग के साथ परफॉर्मेंस दिया है। अभिजय मानसिंह ने दोस्तों बॉलिंग के साथ एक विकेट ऑलमोस्ट हर मैच में समा ले ही जाता है। निकोलस गॉर्डन को भी एक आधा विकेट हर मैच में मिल जाता है। बॉलिंग यूनिट बहुत सॉर्टेड है, इंपॉर्टेंट बात है, दो ओवर वाले बॉलर गॉर्डन, मानसिंह, कैम्बेल, पिथ सेलमन एंड दोस्तों ओडियन स्मिथ, आइडियल दो ओवर वाले बॉलर, या फिर दोस्तों कार्लोस ब्राउन जो आपको टॉप में खेलते हुए दिखेगा। मुझे लगता है इस मैच में कार्लोस ब्राउन आपको ओपन भी करते हुए दिखेगा। समाओ ये टीम मुझे बहुत ज़्यादा सेफ सॉर्टेड लग रहे, और खास करके अगर फैंटेसी के रिस्पेक्ट में पूछोगे मेरे से, यस दोस्तों गो अहेड विद देम, ठीक है। इस टीम से ओपनिंग बॉलिंग कराएगा गॉर्डन, सेलमन, ओडियन स्मिथ, डेथ में ब्राउन, सेलमन और दोस्तों निक एंड गॉर्डन करते हुए दिखेंगे। ये सी ब्राउन आपको हर मैच में बॉलिंग करते हुए नहीं दिखेगा, क्योंकि ओडियन स्मिथ आइडियल दो ओवर वाले बॉलर है, बट सी ब्राउन मुझे लगता है इस मैच में टॉप में बैटिंग करते हुए दिख सकते हैं। ये सीरीज से ना पहले के रिकॉर्ड्स हैं, एंड बॉनर अगर खेलता है तो एक ढंग का प्लेयर मिलेगा इनको, और अदरवाइज दोस्तों यहाँ पे पास्ट रिकॉर्ड रिव्यू करके आप खुद भी ट्राई कर सकते हो। दोस्तों एम सिल्वा के बारे में मैंने शायद बताया था आपको, इसने T10 में 6 मैच 8 ओवर में 5 विकेट निकाल के रखा। अगर बॉलिंग फर्स्ट होता है, अच्छा डिफेंशियल पीक है। अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये डेथ में नहीं कराया था लास्ट मैच में, बट स्टिल मैं बोलता हूँ कि बॉल फर्स्ट एम सिल्वा आपको ट्राई करना चाहिए। चलते हैं दोस्तों सीधा हमारे ड्रीम 11 टीम में, उससे पहले मैं आपको एक्सी 22 के पिक शेयर करना पसंद करूँगा। गाइस आप अगर देखोगे एक्सचेंज 22 के कौन से पिक्स आपके लिए इस मैच में सुइटेबल है, इनमें से जे ग्लेन आपको दिखेंगे। वेट ऑन गाइस, शायद मेरे से कुछ ना मिस्टेक हुआ होगा। दोस्तों पहला प्लेयर आपको जे ग्लेन नहीं, पहला प्लेयर मिलने वाला है एल लू। देखो दोस्तों SRO टीम ना ज़्यादा स्ट्रांग है, अगर SRO ने पहले इनिंग्स में चेजिंग कर लिया ना तो आपको क्या करना है। SRO ने फर्स्ट इनिंग्स में अगर चेजिंग किया तो इनके ओपोनेंट के कुछ प्लेयर हम लोग सेल कर सकते हैं, बट SRO के कौन से प्लेयर को हम लोग बाई कर सकते हैं। अगर बैटिंग फर्स्ट हुआ तो ओडियन स्मिथ नॉट अ बैड चॉइस, अगर इनको ऊपर में फिर से प्रमोशन मिला जो वन डाउन प्लेयर है तो दोस्तों ये आपको वेरी इजीली 30 रन बैटिंग के साथ दे सकते हैं। प्लस आपको बॉलिंग से अगर एक विकेट दे दिया या फिर कैचेस ले लिया तो आपका प्रॉफिट होने का हाई पॉसिबिलिटीज है, तो सेल तो इनको बोथ कंडीशन मत करो, बाइक चाहो तो कर सकते हो, बट सिर्फ और सिर्फ बैट फर्स्ट। इनके साथ अगर देखोगे सी ब्राउन, इस मैच में बॉलिंग का पता नहीं है बट बैटिंग से टॉप में खेल सकता है, तो मैं सेल नहीं कर सकता हूँ, इवन मैं बाई भी नहीं करूँगा। लेरॉय लुक का भी परफॉर्मेंस इस सीरीज में बहुत अच्छा है, बट एक बैट्समैन को 28 से बाई मैं नहीं करूँगा और सेल भी नहीं करूँगा इनका पोजिशन देखते हुए। ये जो बंदा है ये एक रिस्क ले सकते हो, इनके साथ चाहो तो सेल कर सकते हो, स्पेशली अगर ये टीम चेजिंग में आते हैं दोस्तों, तो दोस्तों इनको सेल करना जे ग्लेन को, ठीक है। बाई इनको मैं नहीं करूँगा बोथ कंडीशन। अगर अभिजय मानसिंह देखोगे तो 23 बाई रेट डिसेंट है, सेल रेट 20 डिसेंट है, दोनों डिसेंट है, मतलब 50-50 है। चाहो तो बाई सेल करना है तो कर सकते हो, मुझे नहीं लगता दोनों में आपको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, ना बाई में ना सेल में। पिथ सेलमन 38 रेट बहुत ज़्यादा अच्छा है, बट हाँ अगर आप देखोगे बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं, बहुत ज़्यादा ही है मेरे हिसाब से, क्योंकि बैटिंग कंसर्न है इनका, हर मैच में बैटिंग मिलेगा ऐसा नहीं होगा, बट कंसिस्टेंट विकेट टेकर है, एक विकेट हर मैच में मिलता है। तो आप 14 पॉइंट्स प्रॉफिट के लिए, आप दोस्तों 3 विकेट अगर ले गया तो कंप्लीट लॉस होगा, या फिर 2 विकेट ले गया तो भी लॉस हो सकता है, कैचेस लिया तो भी मुश्किल है, बैटिंग मिला तो भी मुश्किल है। बैट फर्स्ट तो सेल नहीं कर सकते हो, बट अगर बॉलिंग फर्स्ट हुआ एक चांस लेना है तो करो सेल का, बाई मैं बोथ कंडीशन नहीं करूंगा। निकोलस गॉर्डन को दोस्तों बॉल फर्स्ट बाई करना है तो कर सकते हो, बट फिलहाल के लिए मैं
कुछ नहीं करना पसंद करूंगा। खैरी कैम्बल ने भी विकेट निकाला है दोस्तों, 25 पॉइंट दिया है, उससे पहले 22 सेल है। सिमसन दोस्तों रिस्क लेके सेल करना है तो करो, बट 13 रेट बहुत कम है तो मैं कुछ ज़्यादा करूंगा नहीं। अगर CWA देखोगे ये टीम ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, आपके पास एक पॉसिबिलिटीज़ हैं यहाँ पे, अगर आप कैम्बल सेल दोस्तों इसको नहीं, गॉर्डन सेलमन एक साथ एंड मानसिंह अगर एक साथ इनको बाई कर लेते हो तो आपको कितना पॉइंट देना पड़ेगा दोस्तों, 25 23 23 23 46 होता है, उसके साथ आप 25 ऐड कर लेते हो तो कितना होता है 71 प्लस, अगर 38 ऐड कर लेते हो तो दोस्तों 110 पॉइंट्स यहाँ पे, 40 पॉइंट्स अगर ऐड कर लेते हो तो 150 पॉइंट्स ओडेन स्मिथ का हो जाता है। टोटल 150 पॉइंट्स यहाँ पे आपको 9 ओवर दिख रहा है, मुझे एटलीस्ट 8 से 9 ओवर दिख रहा है। प्लस अगर बैटिंग फर्स्ट होता है एक हाई पॉसिबिलिटीज है, ओडेन स्मिथ आपको 30 रन बैटिंग से एटलीस्ट देने के पॉसिबिलिटीज रखते हैं। प्लस पीट सेलमन का अगर बैटिंग मिला तो ये भी 20 का कैपेबिलिटीज है, मतलब अराउंड 65 या 60 पॉइंट्स के करीब विद बैट से अगर आ गया तो 150 अगर आप नैरेट करते हो तो 90 रन के आसपास आ जाता है इनका बॉलिंग से, सॉरी 90 पॉइंट के आसपास आ जाता है इनका बॉलिंग से पॉइंट्स देना। मैं वहाँ से भी 10 हटाना चाहूँगा क्योंकि कैचेस वैचेस आ जाते हैं, तो अगर आप देखोगे 4 विकेट में आता है तो लॉजिकल अगर मेरे से सोचोगे, अगर आपके पास सब कुछ अच्छा हुआ, सब कुछ जो जो है आपका फेवर में हुआ तो दोस्तों ये जो स्लॉट है चाहो तो आप बाई कर सकते हो, बट बैटिंग फर्स्ट बैटिंग सेकंड होता है तो दोस्तों एक ही प्लेयर मुझे डिसन दिख रहा है, वो है ओडिन स्मिथ, मैं इनको कुछ नहीं करूंगा। सॉरी अगर फर्स्ट इनिंग्स में बॉलिंग हो जाता है दोस्तों वो और बैटिंग सेकंड होता है तो जे ग्लेन मुझे बेटर सेल पिक लग रहे हैं और पीट सेलमन रिस्की सेल पिक बनेगा, बाकी के साथ मैं रिस्क नहीं लेने वाला हूँ, स्पेशली सेकंड इनिंग्स में मैं बाई नहीं करूंगा अगर सेकंड इनिंग्स में बैटिंग हुआ फर्स्ट इनिंग्स में बॉलिंग, क्योंकि ओपोनेंट वीक है, कोलैप्स हो सकते हैं, हाई प्रोबेबिलिटीज रखते हैं। अगर आप देखोगे CWA से आपको क्या करना है दोस्तों, हॉलनेस फील्डिंग फर्स्ट सेल कर सकते हो, ऐसा मुझे लग रहा है दोस्तों अच्छा ऑप्शन रहेगा। हिंस मैं कुछ नहीं करूंगा इतना कम रेट से, एक कैश लेगा तो सब सत्यनाश। डिवेरो स्मिथ दोस्तों 17 रेट और ज़्यादा खास नहीं है दोस्तों, थोड़े से हीटिंग लग गया तो ठीक है, बट ओपोनेंट टीम का बॉलिंग तगड़ा है, भाई तो मैं कतई नहीं करूंगा, रिस्क लेना है तो सेल करो, बट स्टिल 15 बहुत कम होता है, 2 एज लगा तो भी दोस्तों आप फंस जाओगे। लेनेक्स सिमसन 28 अगर इनका फील्डिंग फर्स्ट हो रहा है तो एक अच्छा सेल पिक बनता है, भाई तो मैं दोनों कंडीशन, भाई अगर बॉलिंग फर्स्ट होता है, अगर फील्डिंग फर्स्ट होता है, सॉरी यार बॉलिंग फर्स्ट होता है तो मे बी बाई बट रिस्की है, बट अगर बैटिंग फर्स्ट होता है तो मे बी सेल, आई थिंक सेफ है। एंड्रयू मैकार्थी दोस्तों बॉलिंग फर्स्ट एक अच्छा बाई पिक है, क्योंकि एक प्रोबेबिलिटीज है कि ये डेथ में करते हुए या फिर जहां पे भी मर्जी करते हुए और ये कैचिंग पोजिशन में रहता है लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन, तो दोस्तों अगर फील्डिंग फर्स्ट होता है एक अच्छा बाई पिक रहेगा। इबांग्स चलो फील्डिंग फर्स्ट में एक बार मैं सोचूंगा कि बाई करना, अगर बैटिंग फर्स्ट होता है तो सेल करना है तो करो, बाई तो इनको मत ही करो बैटिंग फर्स्ट में दोस्तों। एंड्रयू मैकार्थी बैटिंग फर्स्ट इग्नोर करो या फिर सेल करो। सैम स्पेंसर का 10 रेट कुछ खास नहीं है, एंड्रयू ब्लैक बहुत ही कम रेट है तो मैं फिलहाल इनके साथ कुछ नहीं करूंगा, फिलहाल ये रहेगा मेरा एक्सचेंज का पीक। अभी चलते हैं हम लोग ड्रीम इलेवन टीम में गाइस। दोस्तों ड्रीम इलेवन टीम में फिलहाल मैंने ना कैप्टन बनाया सेलमन, वाइस कैप्टन इबांग, फील्डिंग फर्स्ट एक बार के लिए सोचूंगा, बट मैं ना मोस्ट प्रोबली क्या कॉम्बिनेशन के साथ जाऊंगा अगर इनका फील्डिंग फर्स्ट होता है ना, एंड्रयू मैकार्थी को मैं कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करूंगा अलोंग विद ओडेन स्मिथ, समझ रहे हो ना, ये दो कॉम्बिनेशन मेरा बनेगा कैप्टन वाइस कैप्टन। अगर इनका बॉलिंग फर्स्ट होता है इनके साथ ना मैं एंड्रयू मैकार्थी को या फिर ओडेन स्मिथ को वीसी ट्राई करूंगा, मैं इस मैच में ना इबंग्स को बहुत प्रेफर नहीं करता हूँ वीसी। चलो अगर फील्डिंग फर्स्ट होता है तो मे भी ठीक ठाक है, बट इनसे बेटर है एंड्रयू मैकार्थी। फिलहाल दोस्तों ये परसेंटेज सिलेक्शन के हिसाब से मैंने बना के रखा, बट जैसे कि मैंने बताया कि इबंग्स से मुझे ज़्यादा क्वालिटी लगता है एंड्रयू मैकार्थी के साथ, तो मैं इनके साथ जाना ज़्यादा प्रेफर करूंगा, स्पेशली देखो ना बॉल फर्स्ट, इफ देखो ना बैट फर्स्ट, मे बी सेलमन को कैप्टन बना के वाइस कैप्टन ओडेन थोड़ा रिस्की लग रहा है, तो दोस्तों एंड्रयू मैकार्थी मुझे बनाना बेस्टर लग रहा है। फिलहाल दोस्तों ये रहेगा मेरा कवरेज, गॉर्डन कैम्बेल मानसिंह है, ब्राउन है, लूग है, हमारे पास सिमसन है और जे हॉलनेस है। फिलहाल के लिए ये रहेगा मेरा अपडेट इस मैच के रिलेटेड, एंड इस मैच का कवरेज वगैरह शेयर होगा आपके साथ टेलीग्राम पे, दोस्तों जुड़ना है आपको टेलीग्राम, इसका लिंक मिलेगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में। थैंक यू गाइस, मिलते हैं मैच टाइम पे।